सलमान खान की हत्या की साजिश रची जा रही थी, ये खुलासा किया है हरियाणा पुलिस ने। गुड़गांव पुलिस ने हैदराबाद से गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में ये खुलासा हुआ। सलमान खान की हत्या की साजिश का पर्दाफाश, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हत्या की साजिश रचने का आरोप। पुलिस की गिरफ्त में आया सुपारी किलर संपत नेहरा। बॉलीवुड स्टार सलमान खान की हत्या की साजिश का खुलासा होने से हड़कंप मच गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ में पुलिस को मालूम चला कि संपत नेहरा को सलमान की हत्या की सुपारी दी गई थी। संपत नेहरा 3 दिन पहले हैदराबाद में पकड़ा गया है और ये बहुत मेहनत के साथ, टेक्नोलॉजी के एक्सलेंस के साथ पकड़ा है। मैक्सिमम किया है लॉरेंस बिश्नोई के डायरेक्शन पे, सो उसको ब्लाइंड फॉलोअर है लॉरेंस बिश्नोई का, और इस गैंग का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई है जो अंदर बैठ के सब कुछ करवा रहा है। काला हिरण शिकार केस में बिश्नोई गैंग ने सलमान को धमकी दी थी। पुलिस के खुलासे के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से संपत नेहरा को हत्या की सुपारी दी थी। जेल से छूटने के बाद संपत नेहरा मई में मुंबई गया था। संपत ने 2 दिन तक सलमान खान के घर की रेकी की। 2 लाख का इनामी बदमाश है संपत नेहरा। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में संपत पर कई केस दर्ज है। 2 दिन ये मुंबई रुक के वहाँ पे मिस्टर सलमान खान के घर रेकी किया है, फिर वहाँ से हैदराबाद एग्जीक्यूट करना था बाद में। प्लान कितने दूर है, सब कुछ जो टिपिकली जो एम्बुश करने के लिए जो रेकी करते हैं, सारे रेकी करके ये हैदराबाद गया है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है और संपत से उसकी मुलाकात जेल में हुई थी। बताया जा रहा है कि संपत और बिश्नोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े हैं, पढ़ाई साथ में की तो बाद में अपराध की दुनिया में भी साथ मिलकर काम करने लगे। फिलहाल सलमान की हत्या की साजिश के खुलासे से हर कोई हैरान हो गया है, लिहाजा मुंबई पुलिस को सलमान की सुरक्षा की चिंता जरूर सताने लगी होगी। टीम न्यूज़ ने